आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तीन चीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है वाटर, पानी, दूसरा है पानी, तीसरा है पानी। साफ पानी टेक्सटाइल यूज़ करती है और उसे गंदा करके छोड़ देती है। 2024 लुधियाना एडिशन, ये सेकेंड एडिशन है। तो लुधियाना के डाइज एंड केमिकल्स इंडस्ट्री और जो लुधियाना के टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए एग्जीबिशन किया जा रहा है। बेसिकली सप्लायर्स एंड यूज़र इंडस्ट्री, जो यूज़र इंडस्ट्री अपने कपड़े बनाते हैं उनके लिए ये शो है। ये 3 दिन का शो है जो 9 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। जब तक आपके टेक्सटाइल में से जो निकलने वाला पानी है वो पीने लायक ना हो तब तक आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो पानी ड्रेन नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ लुधियाना में नहीं है, पूरी दुनिया में आज ये मांग उठ रही है। केमिकल्स जैसे कंज्यूमेबल्स एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग करने के जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए शो है। तो अपने इंडस्ट्री काफ़ी बेनिफिट होंगे क्योंकि ये ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं लुधियाना की इंडस्ट्री, तो इनको नया प्रोसेसेस, इको फ्रेंडली केमिकल्स और क्वालिटी कॉन्शियस लोगों के लिए ये शो हैं। जो क्वालिटी अपैरल फैब्रिक्स बनाना चाहते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए, लोकल मार्केट के लिए, उनके लिए शो है। वरना ये इंडस्ट्री ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं अगर ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लुधियाना और पानीपत में लोग कॉटन की डाइंग नहीं कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं तो भी बहुत लिमिटेड पैमाने कर रहे हैं क्योंकि बस पानी ही नहीं है। अगर वो ज़्यादा पैमाने में पानी यूज़ करेंगे तो उसको ट्रीट करने के लिए उनके पास फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज आज आने वाली है ये इसी प्रॉब्लम को कैटर करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे मीडिया के दोस्त लोग। हम लोग डाइज एंड केमिकल्स के एक एग्जीबिशन रखे हुए हैं डाइकेम वर्ल्ड नाम से। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक ये शो लगेगी नाना मंदी के एग्जीबिशन सेंटर में। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डाइज, केमिकल्स एंड कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं एंड उसका प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं उनके शो हैं। तो हमारे लुधियाना के जितने सारे डाइज, केमिकल्स, डाइंग प्रोसेसिंग केमिकल एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री को इस शो से काफ़ी नए आइडियाज़, नए इको फ्रेंडली केमिकल्स, प्रोसेस सॉल्यूशंस, ये सब के बारे में आइडिया मिलेंगे। सर, एग्जीबिशन लगाने का मतलब क्या है? हमारे दोस्त फरीद इसके ऊपर बताएंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे को मौका दिया है आपके माध्यम से लोगों के पास मैसेज पहुँचाने के लिए। एग्जीबिशन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पर जितने भी मशीनरी वाले हैं, जितने भी केमिकल वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर लोग जो है वो यूज़र इंडस्ट्री को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं बम्बई से, दिल्ली से, ये अगर एक एक आदमी को अपॉइंटमेंट लेके कंपनी से मिलना चाहेंगे तो एक एक साल लग जाएंगे, उतने लोग 3 दिन में मिल जाते हैं। तो 3 दिन के अंदर एक गेट टुगेदर हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमारे यहाँ पर जितने भी केमिकल कंपनीज है और जितने भी आ रहे हैं उनके पास सोल्यूशंस है जो लुधियाना और पंजाब का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो हवा का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशंस इनके पास है। तो हम आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग इधर आओ, आके इनके साथ बैठो और समझो कि आपका प्रॉब्लम्स क्या है और उनके साथ डिस्कस करो। आप जो पानी यूज़ कर रहे हो, जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसमें यूज़र फ्रेंडली है और इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिकल्स भी है हमारे पास, यहाँ पर लोगों के पास है, तो वो प्रॉब्लम सब सॉल्व होगा। तो ये एग्जीबिशन एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसके अंदर ये आगे फ्यूचर जनरेशन, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन रहेंगे उनके सबके लिए बेनिफिट होगा। सिर्फ ये इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो इसके लिए आप लोग भी अपने तरफ से फोकस करके, ज़्यादा मेहनत करके सबको इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पर एक बार आओ और आके ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, हमने यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी बनाया उसका फ़ायदा उठाओ। सर, इस एग्जीबिशन में नई आइटम कौन सी आ रही है? सर, इस एग्जीबिशन के अंदर और आगे भी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स जिससे इंसान को कम से कम नुकसान हो, जो दवाओं से नहीं बनाते, जो झाड़ से और इस तरीके से लिया जाता है, तो उसको हम यहाँ पर प्रमोट करने वाले हैं। हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है जो 10 तारीख को, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें ऐसे स्पेशल लोगों को बुलाया है जो बताएंगे आपको कि ऑर्गेनिक केमिकल्स कैसा यूज़ करना है और उसमें आप फ़ायदा भी कैसे उठाना है। मतलब आपके कम से कम आपका पानी बचेगा और आपका पैसा बचेगा और लोगों को भी बेनिफिट होगा। सर, ये हमारी 4th एग्जीबिशन है, हम साल में एक बार करते हैं। तो हम तिरुपुर में 2 बार कर चुके हैं, लुधियाना में 1 बार कर चुके हैं और अभी यहाँ पर लुधियाना में वापस 1 बार कर रहे हैं। तो हमारा 4th एग्जीबिशन है। कितने एरिया में कितने स्टॉल लग रहे हैं? टोटल 40 कंपनीज आ रहे हैं, 2 हॉल है। डेट क्या होगी? कब से कब? 9, 10 और 11 दाना मंडी बहादुर के लुधियाना में आपको आना है
सुबह जो है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर अच्छे अच्छे लोग MLA सब लोग आ रहे हैं, तो 11 बजे ओपनिंग सेरेमनी रहेगा 9 तारीख को, 9 फरवरी 2024। जो आपने पिछली 3 एग्जीबिशन लगाई हैं उसमें चौथी अब लगा रहे हो, आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा असर पड़ेगा लोगों पर? हर टेक्नोलॉजी आहिस्ते आहिस्ते जैसे बढ़ रही है हर चीज़, वैसा हमारे एग्जीबिशन में भी ग्रोथ हो रहा है। जो लास्ट ईयर जैसे कंपनीज नहीं आए थे वैसे कंपनीज इस बार आए हैं, लास्ट ईयर जैसे टेक्नोलॉजीज नहीं थे वो इस बार आए हैं, तो अपग्रेड ही हुआ है। इसमें फर्क पड़ रहा है, 100% फर्क पड़ रहा है। जो बेसिकली आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 3 चीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है वाटर, पानी, दूसरा है पानी, तीसरा है पानी। साफ पानी टेक्सटाइल यूज़ करती है और उसको गंदा करके छोड़ देती है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि जो गंदा पानी आज इन्वायरमेंट में जा रहा है इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, ठीक है। और या तो आपकी जो पानी की डिमांड है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो करनी होगी, तो ऐसे टेक्नोलॉजी को तवज्जो देना चाहिए जो पानी कम करे और जो गंदा पानी टेक्सटाइल से बाहर जा रहा है वो कम करे। पर उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है? टेक्नोलॉजीज काफ़ी सारी नहीं है, मशीनरी में भी इनोवेशन है, डाइस केमिकल में भी इनोवेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि नए नए टेक्नोलॉजीज़ की क्या है। जैसे पुलकित जी है वो कुछ टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट करने वाले जिसमें नमक की कम यूज़ हो। नमक बहुत ज़्यादा पैमाने पे यूज़ होता है, 1-1 लीटर में 100 ग्राम तक नमक जाता है कुछ रंगों में। तो ये नमक की मात्रा भी कम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके टेक्सटाइल में से जो निकलने वाला पानी है वो पीने लायक ना हो तब तक आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो पानी ड्रेन नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ लुधियाना में नहीं है, पूरी दुनिया में आज ये मांग उठ रही है, वरना ये इंडस्ट्री ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं अगर ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लुधियाना और पानीपत में लोग कॉटन की डाइंग नहीं कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं तो भी बहुत लिमिटेड पैमाने कर रहे हैं क्योंकि बस पानी नहीं है। अगर वो ज़्यादा पैमाने में पानी यूज़ करेंगे तो उसको ट्रीट करने के लिए उनके पास फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज आज आने वाली है ये इसी प्रॉब्लम को कैटर करेंगी। यस, माई सेल्फ बद्रुद्दीन फ्रॉम केमटेक्स पेट्रोकेमिकल लिमिटेड मुंबई। और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप प्रेस एडिटर्स का आप लोग सारे बड़ी बेसब्री से यहाँ पे आए, और हमारे अभी जैसे सुने योगेश गायकवाड़ जी को जो SDC के डायरेक्टर हैं जो UK से, और जैसे हमारे टेक्सटाइल एक्सीलेंस के डायरेक्टर मिस्टर गोहेन सर और टेक्सटाइल एक्सीलेंस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर KS फरीद जी, बहुत अच्छी तरह से जैसे बताया कि ये एक्सपो एक ऐसा एक बेहतरीन सिद्ध होने वाला प्रूफ होने वाला है कि ऑर्गेनिक के तरफ अग्रसर हो रहे, जैसे आज से 50-100 साल पहले ऑर्गेनिक के तरफ लोग नेचुरल चीज़ें खा के और पानी प्योर लेके लंबी सांस या लंबी जीवन जीते थे, वो आज कमी होता हुआ दिख रहा है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारा ये पंजाब, और पंजाब को और हमारे हिंदुस्तान को यदि सुपर पावर बनाना है तो हमारा वेदर, हमारा पानी, हमारा खाना सब कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक होना पड़ेगा। उसके लिए इस डाइकम वर्ल्ड ने जो बहुत बड़ी मैं कॉन्ग्रेचुलेट और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस डाइकम वर्ल्ड की प्लेटफॉर्म जो आज पंजाब को दिया है सर लोगों ने, तो इसके वजह से हमारा पंजाब बहुत बेहतरीन होने वाला है। और इस डाइकम वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे IITians और बहुत सारे QCs साइंटिस्ट आने वाले हैं जिनके कॉन्फ्रेंसेज रखा हुआ है, जैसे सर ने बताया उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से पानी को बेहतर किया जाए, कम से कम पानी में कैसे कपड़े को रंगा जाए और कम से कम पानी में और इन्वायरमेंट खराब ना हो, इसके लिए सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होंगे। उसी तरह से माई सब जैसे मैंने बताया कि बद्रुद्दीन हमारी कंपनी केमटेक्स पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन किया है, मोर देन 100 प्रोडक्ट जो किसी भी तरह की वातावरण को ख़राब नहीं करेगा। और वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल में 9, 10, 11 फरवरी 2024 जो अभी आने वाला है ये दाना मंडी में हम लोग डिस्प्ले करेंगे। और मैं सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को और तमाम सारे डाइंग इंडस्ट्रीज़ को के ऑनर्स को मैं रिस्पेक्टली हार्टली मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि आप आएँ सर और अपनी पूरी कंप्लीट टीम के साथ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेरीज करें, सवाल करें और पूछ करके आप एटलीस्ट हमारे जीवन को सुपर पावर बनाना हो, हमारे देश को सुपर पावर बनाना हो और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान की ज़रूरत है और जितने भी डायर्स हैं उन लोगों का। तो मैं इतनी सी बात कहूँगा और प्लीज़ पुलकित जी बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी सर,
थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर गिविंग सच अ चांस एंड स्पेशल थैंक्स टू योगेश सर ही हैज गिवन सच अ चांस है. अगर डाई कैम वर्ल्ड की बात करें तो दे आर वर्किंग एज एन अमेजिंग एग्जिबिटर फॉर शो केसिंग सच प्रोडक्ट्स एंड सच टेक्नोलॉजीज दैट पीपल विल बी रियली 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 दे विल बी हेल्प. अगर कुछ नया चेंज करना है तो यहाँ आना इज नेसेसरी. देर इज नो ऑप्शन आई वुड से. दे आर मेकिंग फुलफिलिंग एफर्ट्स टू इनवाइट एवरीवन. प्लीज डू कम. वी आर ऑल्सो गिविंग कॉन्फ्रेंस है. आई एम ऑल्सो एग्जिबिटिंग. आई एम डॉक्टर पुलकित कांसल फ्रॉम प्रीमिया केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड. वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद फ्यू टेक्नोलॉजीज इन सॉल्ट रिप्लेसमेंट bio-based chemicals. We are coming up with water saving technologies. So I invite you all, please come here and do have a look. Start your questions as sir Badruddin sir said, have the most of your questions. The more the number of questions, you will understand more and it will help you a lot sir. Main ek bolna chahunga ki jo recently budget aaya hai, बजट में काफ़ी सारा पैसा एलोकेट हुआ है सस्टेनेबल बायो बेस्ड केमिकल्स के लिए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंकरेज कर रही है लोगों को कि वो लोग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में जाए, बायो बेस्ड केमिकल्स में जाए. तो ऐसे सॉल्यूशंस यहाँ पे आने वाले हैं. तो लोग जो डाइंग कर रहे हैं, जो डाइंग और फिनिशिंग में इन्वॉल्व है, प्रिंटिंग में इन्वॉल्व है, वो जब यहाँ पे आएंगे उनको रूबरू होने को मिलेगा ऐसे टेक्नोलॉजी से.